मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी। 18 मई की रात को पुणे के एक बहुत फेमस बिल्डर के लड़के वेदांत अग्रवाल, जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई होती है, वो रात को अपने 12th एग्ज़ाम पास करने की पार्टी मना रहे होते हैं पुणे के क्लब में। जब रात में वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो शराब के नशे में 200 की स्पीड में अपनी पोर्श कार को चलाते हुए आते हैं और 200 की स्पीड चलाने के चक्कर में और अपनी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के चक्कर में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मौत के घाट उतार देते हैं। जब ये दुर्घटना होती है और जैसे इनको लोगों को पता लगता है कि वहाँ पे 2 लोगों की डेथ हो गई है, क्योंकि एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ होती है और एक की हॉस्पिटल जाते समय डेथ हो जाती है, वहाँ जो भीड़ इकट्ठी होती है उनका गुस्सा फूट उठता है। वो हाथों हाथ उस वेदांत अग्रवाल को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और इस उम्मीद के साथ कि पुलिस उन लोगों के साथ न्याय करेगी और जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों के साथ न्याय करेगी, उस वेदांत अग्रवाल को पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है। लेकिन अगले दिन जब वेदांत अग्रवाल को ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है तो सब लोग भौचक्के रह जाते हैं। ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब ये मामला जाता है तो रादर देन गिविंग उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या उसको एडल्ट ट्रीट करने के बजाय ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसे मात्र 15 घंटे के अंदर बेल दे देता है और जब कंडीशन ऐसे लगाता है जिसको आप भी सुन के चौंक जाएंगे। पहली कंडीशन ये लगती है कि आपको 15 दिन एक ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ खड़े होकर ट्रैफिक के कायदे कानून जानने होंगे। दूसरा, आपको एक मनोचिकित्सक से सलाह लेनी होगी कि आप आगे से शराब नहीं पिए। और तीसरा, आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना होगा ये कहते हुए कि सर सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचें और इस पर आपको आपकी राय देनी होगी। यानी जो 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेथ हुई उसका कंपनसेशन कोर्ट दिलाती है 300 शब्दों के निबंध से। जब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट उठता है। एक के बाद एक ट्वीट्स होने शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाहर आ जाती है। अल्टीमेटली पुलिस आती है प्रेशर में। जैसे ही पुलिस को लगता है कि अब मामला बिगड़ रहा है और शायद हमने कहीं चूक कर दी है तो वो तुरंत सेक्शन 104 ज्यूवेनाइल जस्टिस एक्ट में रिव्यू पिटीशन डालती है। रिव्यू पिटीशन मतलब अगर आपको लगता है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और उसको कुछ फैक्ट्स को अनदेखा कर दिया है तो आप उसमें रिव्यू लगा सकते हैं। पुलिस भी वहीं रिव्यू पिटीशन लगाती है। मैं बहुत स्पष्ट कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वापस दोहरा रहा हूं कि पुलिस ने डे 1 से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो या फादर और पप्स वालों पे ज्यूवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। अब यहाँ पे रिव्यू पिटीशन में हम डिस्कस करें उससे पहले हम इस पे हो रही 2-3 कंट्रोवर्सी को भी जान लेते हैं। जब वेदांत अग्रवाल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो उसे वहां सबसे पहले पिज्जा ऑफर किया जाता है, उसे आराम से बैठाया जाता है और कहा जाता है कि आप पिज्जा खाइए आराम से। और वहीं रात को उस क्षेत्र के एमएलए जो एनसीपी के नेता थे वो आते हैं और पुलिस पे दबाव बनाते हैं कि इसके खिलाफ जो भी करना है जल्दी करें और इसको जल्दी जल्दी फ्री करें क्योंकि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी है और इसके फादर मेरे नोन हैं। और तीसरा जो एक एलिगेशन पुलिस पे और लगता है, क्योंकि ये 2 एलिगेशन तो थे कि आपने पिज़्ज़ा खिलाया रात को, आपने उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, एमएलए का प्रेशर था, आपने इसलिए इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। और तीसरा पुलिस पे इल्ज़ाम लगता है कि जब आपको पता था कि वो शराब के नशे में आकर गाड़ी चला रहा था तो आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप उसके शराब का टेस्ट करें कि उसने शराब पी है या नहीं पी और कितनी पी है, जो टेस्ट से पता लगता है। लेकिन पुलिस जानबूझकर उस दिन टेस्ट नहीं करती और मॉर्निंग में टेस्ट किया जाता है ताकि उसकी रिपोर्ट या तो नेगेटिव आ जाए या उस रिपोर्ट में कुछ नहीं पाया जाए। और जब आप किसी को कुछ खिला देते हैं जैसे पिज़्ज़ा तो वो डायल्यूट हो जाए और उसकी रिपोर्ट उसके फेवरेबल हो जाए। इस पुलिस को एलिगेशन जब लगते हैं और ये बात बाहर आती है तो इसके कारण से भी पुलिस काफ़ी दबाव में आ जाती है। अब पुलिस को लगता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम रिव्यू पिटीशन लगाएं और लोगों का गुस्सा शांत करें। अल्टीमेटली जब ये रिव्यू पिटीशन लगती है तो मामला जब ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जाता है तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे वापस वेदांत अग्रवाल को कस्टडी में लेकर 5 जून तक ज्यूवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाता है, जिसे हम बाल सुधारगृह कहते हैं। इसी के साथ अब पुलिस को लगता है कि लोगों का गुस्सा ही शांत नहीं होगा। पुलिस एक के बाद एक दूसरी गिरफ्तारी करना शुरू करती है। सबसे पहले वो अरेस्ट करती है उसके फादर को, वेदांत अग्रवाल के फादर को, सेक्शन 75 और 77 ऑफ ज्यूवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जो ये कहता है कि आप अपने बच्चों को ड्रिंक करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें आप अवेलेबल करवा रहे हैं ड्रिंक, ताकि वो इस तरह के शराब का नशा करें और आगे कोई दुर्घटना करें। इसी के साथ जो बार में उसे ड्रिंक दे रहा होता है उसको भी अरेस्ट किया जाता है और एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां होती है। और अब उस वेदांत अग्रवाल के खिलाफ जहां पर पहले कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा था, अब उस एफआईआर के अंदर सेक्शन 304 को जोड़ दिया जाता है। 304 यानी गैर इरादतन हत्या। दोस्तों, वैसे अगर हम भारत के कानून की बात करें तो
तो अगर हमारी रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ हो जाए तो 304A का मुकदमा बनता है जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद स्थिति क्लियर कर दी कि अगर कोई शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है और वो किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि लॉ को ये प्रज्यूम करना होगा कि उस व्यक्ति को पता था कि मैं जिस हिसाब से शराब पी रहा हूँ या जिस हिसाब से मैं नशे में हूँ मेरे से दुर्घटना हो सकती है और उस दुर्घटना से किसी की मौत हो सकती है। तो ये 304 में आएगा, ना कि 304A IPC में। इसलिए इसी केस में वेदांत अग्रवाल के खिलाफ 304 का प्रोविजन को जोड़ा गया और अब पुलिस जो जाँच कर रही है वो 304 के हिसाब से कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जूनियर जस्टिस बोर्ड ने सही किया था उसको फ्री करके, या लोगों का गुस्सा जायज है। अब इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा सा जूनियर जस्टिस एक्ट के कानून को भी जान लेते हैं। वैसे मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट और कर लेता हूँ, अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन डेप्थ लेकर आते रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जूनियर जस्टिस एक्ट की। 1986 में पहली बार इस देश में इस कानून को लाया गया था। उस समय माना गया था कि 16 साल तक के बच्चे अगर कुछ क्राइम करते हैं तो उन्हें मैक्सिमम सज़ा एक लिमिटेड पीरियड के लिए होगी, उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन समय बदलता है, 1986 के जूनियर जस्टिस एक्ट को परिवर्तन करके 2000 में नया जूनियर जस्टिस एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में JJ एक्ट कहते हैं, वो लेके आ जाते हैं। JJ एक्ट 2000 में जो उम्र बच्चे की 16 साल थी उसे बढ़ाकर 18 साल कर दिया जाता है। अब उस JJ एक्ट के मुताबिक अगर कोई 18 साल से छोटा बच्चा किसी भी तरह का क्राइम कर ले, चाहे वो मर्डर करे, चाहे वो रेप करे, या वो कुछ भी एक्टिविटी करे, मैक्सिमम पनिशमेंट उस पर 3 साल की थी। यानी अगर 18 साल से छोटा बच्चा किसी का जाके मर्डर भी कर दे विद प्रॉपर इंटेंशन विद प्रॉपर नॉलेज, तो भी उसे मैक्सिमम 3 साल की सज़ा मिलेगी। अब बात आगे बढ़ती है और 2000 से जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ना शुरू होता है तो हम सब जानते हैं कि 2012 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जी हाँ, देश की बेटी निर्भया का केस। उस केस में जब पता लगा कि जो बहुत सारे आरोपी थे जिन्होंने उस निर्भया का रेप किया था, उसमें से एक जो मुख्य आरोपी था वो जूनियर था, यानी 18 साल से छोटा था। जूनियर जस्टिस 2000 जो कानून है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, उसके मुताबिक उस निर्भया के मेन आरोपी को मात्र 3 साल की सज़ा मिलती है, जबकि जो दूसरे आरोपी हैं उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक मिल जाता है। सवाल ये उठता है कि जो मेन आरोपी था उसको 3 साल की सज़ा क्यों मिली? तो पता लगता है कि क्योंकि हमारे देश का JJ एक्ट ऐसा है जो कहता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल का है। तब उस समय की मिनिस्टर मेनका गांधी कहती है कि हम ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज JS वर्मा की कमेटी बनाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लॉ में क्या अमेंडमेंट लाया जाना चाहिए वो आप हमें बताएं। जस्टिस JS वर्मा अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन देते हुए कहते हैं कि 18 साल तो उम्र ठीक है, लेकिन 16 साल से ऊपर बच्चे और 18 साल से कम बच्चों को आप एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी एक एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन को मूव करके अगर जो संबंधित जूनियर जस्टिस बोर्ड है वो सहमत है कि हाँ उस बच्चे ने जब ये क्राइम किया तब वो फुली डेवलप्ड था, उसका माइंड, उसका इंटेंशन था, उसको नॉलेज था, सब कुछ परिस्थितियाँ सही थी, तो उसको आप एडल्ट के रूप में ट्रीट कर सकते हो। लेकिन फाइनली यही रहेगा कि 16 साल से कम बच्चे को आपको बच्चा ही मानना पड़ेगा और उस पर किसी भी तरह की बड़ों की सज़ा उस पर इम्पोज नहीं कर सकते, उसको एडल्ट ट्रीट नहीं कर सकते। यानी JS वर्मा साहब की जो कमेटी की रिपोर्ट थी जब ये आई, तो उसके बाद भारत के लॉ में इसको अपना लिया गया और अमेंडमेंट लाया गया 2015 में। जूनियर जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद ये स्थिति क्लियर हो गई कि 16 साल से कम का बच्चा है तो उस पर मैक्सिमम पनिशमेंट तो वही रहेगी जो पहले चलती आई है, लेकिन 16 साल से 18 साल तक के बीच का बच्चा है और अगर उसने कोई जघन्य अपराध किया है, सीरियस ऑफेंस किया है, और अगर उसका इंटेंशन था और परिस्थिति ऐसी थी कि उसका माइंड डेवलप था और उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, तो उन फैक्टर्स पर कंसिडर करके जूनियर जस्टिस बोर्ड उस पर्सन को एडल्ट की तरह ट्रीट कर सकता है। तो आज हमने जो लॉ जाना उसका भी इम्प्लीकेशन इस केस में देखते हैं। जब पुलिस को पता था कि एक 18 साल से कम का बच्चा जो जूनियर जस्टिस एक्ट की परिभाषा में आ रहा है वो 18 साल से कम का बच्चा होकर शराब भी पी रहा है, रात को 2-2.5 बजे तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर रहा है, वो गाड़ी पॉर्श भी चला रहा है जिस पर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकता, ये सब कर रहा है और उसको पता है, उसका माइंड डेवलप है कि वो क्या कर रहा है, फिर भी क्यों पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव नहीं करी कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए? हालांकि अब उसमें एप्लीकेशन मूव कर दी गई है। तो पुलिस की सबसे बड़ी गलती ये आती है कि उनको एक एप्लीकेशन मूव करनी थी कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट करे। अगर इसको एडल्ट की तरह ट्रीट कर लिया जाए तो उसे 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, उसमें उसको 7 साल की सज़ा मिल सकती है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए पुलिस कटघरे में है। पुलिस इसलिए भी कटघरे में है कि उन्होंने उसको रात को पिज़्ज़ा खिलाया, पुलिस इसलिए भी कटघरे में है कि पुलिस ने जानबूझ के उसका जो टेस्ट करना था वो डिले किया ताकि उसकी रिपोर्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं आए। कटघरे में तो वो MLA भी है जो रात को जाकर पुलिस स्टेशन में
कंसर्न सीआई को जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको ये कहता है कि आप इसमें जांच करो क्योंकि मेरे नोन है। तब सवाल बहुत सारे हैं, सवाल है एमएलए के ऊपर, सवाल है पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी पर, सवाल है उस कानून व्यवस्था पर और सवाल है हम सब पर। क्या पैसों के जोर पर हम इस तरह से किसी की जान ले सकते हैं? मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसकी डेथ हुई उसके फादर ने ये कहा था कि वो मेरा बड़ा बेटा घर में अच्छा कमाया करता था और छोटे बेटे की पढ़ाई का ध्यान रखा करता था। ऐसे अनगिनत हम कैसे सुनते हैं जहां पर लोग शराब के नशे में आकर गाड़ी चढ़ा देते हैं। एक देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी हमने इसके बारे में नाम सुना है, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे का भी हमने नाम सुना है, लेकिन होता क्या है, पैसों के दम पर उस पर्सन को चेंज करके उसके ड्राइवर को लिया जाता है। इस केस में भी ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सवाल इतना सा है कि अब हमें इस सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। लीगल शॉर्ट्स पर हम वीडियो बनाते हैं इसी उद्देश्य के साथ और ये कहते हैं आपको कि बदलाव ज़रूरी है। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आपको भी जागना पड़ेगा और हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इस सिस्टम, पुलिस और उस एमएलए के खिलाफ। मैं वीडियो को एंड करने से पहले दर्शकों पर एक सवाल छोड़ के जाता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट में मुझे बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या होना चाहिए और क्या गलती है और आपकी क्या राय है, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह की वीडियो आप हमारे साथ देखते रहिए। नमस्कार, नमन मनोज की तरफ से।